सागवानी मतलब बरकत हो। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करते कि आप लोग भी यहाँ पे होंगे। खैर दरअसल मैं खिड़की लगा देती हूँ क्योंकि क्या है ना, या फिर ठुक ठुक की आवाज़ आ रही तो आप लोग मेरी आवाज़ जो है वो क्लियरली आएगी नहीं। आज मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी। बट कुछ चीज़ें जो है बुढ़े की देख के मुझे रहा नहीं गया, तो मैंने बोला नहीं एक छोटा सा ब्लॉग तो बनाना बनता है। तो आजकल जो है बुढ़े की नकेल को पैसों की बहुत ज़रूरत है। सोशल मीडिया की कमाई उसको कम पड़ रही, क्योंकि क्या है ना, उसको जो है ना वो थाईलैंड जाके जो डॉक्टर से जो है ना कंसल्ट करके आई है, उसका जो झुलेला है, झुलेला जो लटकन जो उसके पार्ट है बॉडी को, उसको टाइट करवाना, उसकी सर्जरी करवानी है, जिसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है और जिसके लिए ही वो थाईलैंड गई थी। ये चीज़ के सर्जरी के लिए जो है ना वो थाईलैंड गई थी मुझे ऐसा लगता है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। सोशल मीडिया से उसको उतना नहीं मिल पा रहा है जितना ही मिल रहा है, उसके खाने में और कपड़ों में ही चला जा रहा है। तो आजकल जो बुढ़ी जो है अपने जो झूलेला पार्ट है बॉडी के, लटकन जो पार्ट्स है, उसको टाइट करवाने के लिए जो है ना मलार के अपने जो फ्लैट है उसमें जो है ना लवनी प्रोग्राम रखा है। जी हाँ, आपको तो देखा ही होगा जो बुढ़े के रखे ना वो कैसे मच्छी वाली अक्का बन के जो है लवनी गाने पे जो है मुजरा कर रही थी रात में। दिन में जो है ना सवेरे सवेरे जो है ज्ञान देगी और रात को जो है ना बकचोदी करेगी वो। उसका जो है ना ये एक क्या बोलूँ भाई, ये किसका स्टाइल है, या फिर रात को वो शायद शाम से ही वो जो है ना नशा करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि क्या है ना, उसका जो पूरा व्लॉग है सवेरे जो इंस्टाग्राम पे जब आती है वो भीख मांगने ही आती है, ये तो आप सब लोगों को पता होगा। तो इतनी ज्ञान की बात करेगी वो ज्ञान तो खुद के ऊपर अप्लाई करती थी, और फिर जैसे ही शाम हुआ उसका मुजरा चालू होगा। और आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको जो है ना मुसलमान मर्द भाव नहीं दे रहे, क्योंकि उसकी असलियत जो है उसको सबको तो पता चल ही गया, और जिस तरीके से उसका चाल ढाल है, जैसे वो शिर्क करती है, जैसे वो कुफर करती है, तो मुस्लिम आदमी उसको कुछ ज़्यादा भाव नहीं दे रहे, या फिर नहीं देते भी थे शुरू से। तो इसीलिए जो है ना वो हिंदू आदमियों को बोले, फिर मराठी आदमियों को जो है ना रिझाने के लिए जो है ना वो एकदम मच्छी वाली बाई, वो शांता बाई जैसा लुक लेके, फिर अपना जो झूलेला पेट जो है ना, अपना पूरा खुला पेट जिसमें लटकती है उसकी गोश्त झूल रही है, और पेट जिसमें स्ट्रेच मार्क्स वगैरह है, इसका एक बार फोटो भी मैंने अपलोड किया था, बुड्ढी का पेट का फोटो मेरे को बुड्ढे ने भेजा था, तो वो दिखा दिखा के नाच रही थी। इतनी दोगली औरत है। दो दिन पहले की बात है, सानिया के जो है ना पार्लर में वो गई थी, सानिया मेकओवर के पार्लर में गई थी, तो वहाँ पे क्या बोल रही थी कि सिर्फ मैं फेस दिखा सकती हूँ, बाकी और कुछ नहीं दिखा सकती। दोगली औरत, दो दिन गया नहीं, पूरा कुल्ला पीट लेके रात को मुजरा कर रही थी लावनी गाने पर। जितने भी लोग महाराष्ट्र पर रहते हैं ना, महाराष्ट्र में जितने लोग रहते हैं वो सबको मालूम है कि लावनी गाने पर डांस कौन करता था। अभी ज़रा जो है ना दुनिया अपडेटेड हो गई, तो अभी लावनी जो वो होता फॉर्म होता है वो मतलब अच्छी जगह पे जो है ना वो परफॉर्म करते हैं, लेकिन पहले जो है ना लावनी गानों पे जो है ना मुजरे वाली बाई जो होती थी ना, कोठे वाली औरतें, वो लोग डांस करते थे। आप लोग महाराष्ट्र के लोगों जो महाराष्ट्र में उनको पता ही होगा, तो भाई ये उन्हीं से आती है, और ये जो खुद का रियल टैलेंट है ना, कोठे वाला टैलेंट या फिर बाल में डांस करने वाला टैलेंट, वो दिखाने में कभी भी हिचकी जाती नहीं है। दिन में बड़ी बड़ी ज्ञान मिलती है और रात में शुरू हो जाता है उसका मुजरा, चाहे वो ईद हो, या चाहे वो रमज़ान हो, या चाहे वो मुहर्रम हो, या फिर कोई भी मान लो अच्छा दिन हो, या फिर बुरा दिन हो, दुख का दिन हो, मातम का दिन हो, उसका मुजरा जो है ना वो बंद नहीं होता। और भाई अभी तो जैसे कि मराठी कोई फंक्शन भी नहीं है, कोई फेस्टिवल भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो उसको जो है ना लावनी का गेटअप लेकर जो है ना मराठी गेटअप में लावनी गाने पर मुजरा करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन उसको ना मुस्लिम मर्द कम पड़े, क्योंकि मुस्लिम मर्द उस जैसे औरत को जो है ना भाव नहीं दे रहा, तो इसलिए मराठियों को रिझाने के लिए वो रात को शुरू हो गया। और वो मुझे लगता है अपने फ्लैट पर जो है ना लावनी का प्रोग्राम भी रखती होगी, क्योंकि पहले तो वो बाहर फ्लैट लेके जो है ना लड़कियाँ बेचती थी, लेकिन वो रेड पर गया तो वो पकड़ी गई, और उसके जो साथ की थी ना मुमताज बंगालन वगैरह, वो पकड़ी गई, तो इसलिए जो है ना उसने अपने फ्लैट में रख दिया है, ताकि कोई आए भी तो बोले कि नहीं मेरे दोस्त लोगों को मेरे से मिलने आए। लेकिन अंदर ही अंदर तो अपने घर में तो उसका कोठा जो है फुल ऑन स्पीड में चालू है। कभी तो वो कौन सा था, वो स्कर्ट पहन के और टॉप पहन के वो गाना था, सुन मार रूबिया, हाँ कभी रूबिया बन जाती, कभी फातिमा बन जाती, तो कभी जो है ना वर्षा बन के जो है ना लावनी गाने पे डांस करती। वो अलग अलग रिलीजन के लोगों को अलग अलग गेटअप पे रिझाती है। अब जो गेटअप जिस लोग को पसंद आ जाए और एक दो ग्राहक मिल जाए, तो फिर उसको भी चूसने में मज़ा आया है कि नहीं, उसका नया तरीका है। क्योंकि जैसे कि आप लोग मैं बोलती हूँ कि वो दिखती है तभी दिखती है, और उसका जो बॉडी पार्ट जो है वो सब झूलेला है, तो वही झूलेला बॉडी पार्ट्स को जो है टाइट करने के पैसों की ज़रूरत
तो अब वो घर में ही सर्विस दे रही है। तो जो जो मर्दों को जो है ना ऐसी औरतों में इंटरेस्टेड है तो वो उसको DM करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैंने कुछ दिन पहले एक बात बोला था कि भाई ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर तुम बॉडी दिखाओगे तभी जाके तुमको व्यूज़ मिलेंगे। अब हम कैसे है ना, हम जैसे नॉर्मल लोग, हमारे दो बच्चे मियाँ बीवी, थोड़ी बहुत जो है ना ज़रूरत का पूर्ता कमाते, ज़रूरत का पूर्ता खाते हैं, घर में उतना कलेश भी नहीं, कुछ नहीं है। तो हमारा जो ब्लॉग है ना लोग देखना नहीं चाहते हैं। और ये कैसे है, ये बॉडी दिखाती, सब कुछ करती, बोलती किसी फेस के अलावा कुछ नहीं दिखा सकती, बॉडी का हर पार्ट तो ऑलमोस्ट शो कर दिया, बस ऊपर के दो छेदा, नीचे के एक छेदा और पिछवाड़े के एक छेदा, छोड़ के सारे तो बॉडी पार्ट्स वो शो कर दी। तो वो क्या नहीं शो करती भाई, सब शो करके भी जो है ना ज्ञान मिलती रहती कि भाई मैं तो जो है कुछ शो नहीं कर सकती। पूरे सोशल मीडिया में इस उम्र में कोई ज़्यादा दिखाता है तो वो वही है, इसीलिए तो उसका मिलियंस में है, इसीलिए तो उसका मिलियंस में। अगर वो सती सावित्री बनती तो उसको मिलियंस में थोड़ी मिलते। और रात पर लावणी गान भी मुजरा कर रही थी, अपने कस्टमरों को भी रिझा रही थी, फिर कस्टमर जैसे चले गए ना फिर सोशल मीडिया में आके भी व्यूज़ लेने के लिए, सोशल मीडिया के मर्दों को दिखाने के लिए जो है ना दो रील्स भी डाल दी। और दिन में आज सवेरे की बात है, सती सावित्री बन के एकदम पल्लू यहाँ तक लेके आके फिर ज्ञान पहनने लग गई, उसका छोले भटूरे खाने गई थी भाई। बोलते कि मुझे बहुत रेस्पेक्टफुली जो है इन्वाइट किया गया है। भाई कोई रेस्पेक्टफुली तेरे को इन्वाइट नहीं किया गया, तूने जो है ना चंदा ज़्यादा दी होगी, या फिर कल तेरे लावणी प्रोग्राम पे ना यही जो है ना ये जो झंडा जो है ना चढ़ाते हैं इनमें से एक दो लोग तेरे पास गए होंगे, तूने फ्री का सर्विस बहुत अच्छा सर्विस दिया होगा तभी तेरे को बुलाया और तुम उसका छोले भटूरे खाने चलेगी। और दूसरों को जाहिल बोलने वाले एजुकेटेड जो औरत है ना वो इंडिपेंडेंस डे भी बोलना उसको नहीं आता है, वो इंडिया में रहती है, उसको मुस्लिम्स का तो कुछ पता है नहीं, चलो ठीक है, उसको इंडिपेंडेंस डे भी नहीं बोलना आ रहा था, वो इंडिपेंडेंस डे के इंडिपेंडेंट डे बोल के बोल रही थी, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे बोल के ऐसा बोल रही थी। मतलब कि दूसरों को जाहिल बोलते, खुद इतनी जाहिल था कि वो सबूत देती है हर व्लॉग में, हर व्लॉग में वो गलत इंग्लिश बोलती है। और हम तो छोड़ो, व्यूअर्स भी उसको गाली देते हैं, उसको ट्रोल करते हैं, उसकी जो गलत इंग्लिश को रेक्टिफाई करते हैं, बट स्टिल वो इंग्लिश बोलना नहीं छोड़ती। और मैं स्वतंत्रता दिवस ही बोल देती इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, दैट्स ओके, इंग्लिश ज़रूरी भी नहीं है कि भाई इंग्लिश कोई आता है तो भी कोई स्मार्ट बनते। भाई हमने भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा कि क्या उखाड़ लिया, कौन सा चंद्रयान 2 में और चंद्रयान 3 में हमने हिस्सा ले लिया, हम भी हाउस वाइफ है, तो बच्चे पाल रहे हैं, पार्ट टाइम काम करके यूट्यूब से सैलरी ले उठा रहे हैं, हमने भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करके कोई PhD हासिल नहीं किया है। हमारा जो भाषा अपना रूट किसी को कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरी माँ हमेशा एक चीज़ सिखाती थी, डोंट फॉरगेट योर रूट। हाँ मेरे माँ बाबा दोनों ही एजुकेटेड थे, तो मेरे पापा तो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, बट किस्मत की कुछ, खैर वो सब छोड़ो। तो भाई इंसान को ना अपना रूट कभी नहीं भूलना चाहिए। तो हिंदी जो है ना मातृभाषा, हिंदी में ही बोलो तो भी सब लोगों को समझ में आता है, लेकिन मैडम को कुछ ओवर स्मार्टनेस दिखानी होती है। मैडम को जो है ना अंग्रेज मैम बनने की बहुत शौक है, इसलिए गलत इंग्लिश बोलती है, फिर ट्रोल भी होती है ना लोगों को, बोलती सना भाभी को, बोलती रिहान आंटी को, बोलती रोड छाप लेना। भाई रोड छाप लेना कौन है ये तो सब आप लोग देख ही रहे हो, आप लोग तो मेरी बातों से सहमत, मुझे तो लगता है 99% लोग सहमत होंगे कि भाई रोड छाप लेना कौन है, इसीलिए तो खुद रोज छाप ड्रेसिंग करके रात को मुजरा करती है। सवेरे जो है ना क्या बोलते हैं ज्ञान देती है, और रात को जो है ना तेरा शुरू हो जाता है मुजरा। और रोज छाप कपड़े भी तो पहनती है, देखना कल जो है, चलो ठीक है मराठी ड्रेस तुमने करा, पूरा पीठ ऊपर से लटकता हुआ गोश्त, पेट उसका स्ट्रेच मार्क सब दिखाई दे रहा था। तो इससे समझ में आता है कि रोज छाप कौन है कौन नहीं है। रिहाना आंटी अगर गाने में डांस करती भी है लेकिन तेरी तरह बॉडी पर शो नहीं करती, और ना ही रिहाना आंटी को कभी किसी मर्द के साथ देखा है। तो जो जैसा होता है ना वो दूसरों को वैसे ही समझता है। और बुढ़िया जहाँ पे तेरे को रेस्पेक्टफुली बुलाया गया, जिन लोगों को खुश करके तो फ्री का छोला भटूरा खाने गई थी, तो वहाँ पे स्पीच वीच दिया कि नहीं, स्पीच में 2-3 गाली दिया कि नहीं, भाई थोड़ा वहाँ पे थोड़ा लोगों को बताना चाहिए था कि भाई तेरी लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज उन लोगों ने तेरी असली सुनी है। और वैसे ही पूरे मलार में तो फेमस है, ठीक है, कौन तुझे कितना रेस्पेक्ट देता है, 4 नंबर गली, 5 नंबर गली, 7 नंबर गली में तू फेमस है, वहाँ के बच्चे बच्चे तुझे जानते, ऑलमोस्ट पूरे मंडारा वाले तेरे को जानते कि तू कितनी बड़ी नंगी है, तो वहाँ के लोग तुझे कितना रेस्पेक्ट करते हैं। भाई ये हमको सबको पता है, क्योंकि मलार के काफ़ी सारे DMs आते हैं मलार के लोगों की कि तुझे कितना रेस्पेक्ट वहाँ पे करते हैं। तो ये चीज़ें तो छोड़िएगा, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ तू अकेले हैंडल नहीं कर रही है, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया में है। हाँ कोई जो है कुछ कुछ लोग तेरे मतलब तेरे तरह कैमरा के सामने के नंगापंती नहीं करते, तू ही अकेले मलार की मुझे तरह तरह नंगे जो कैमरा के आगे आके नंगेपंती करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से DMs भी आते। तो ये छोड़ के बोल के तू कितनी रेस्पेक्टेड लेडी है मलार की, और तुझे कितना रेस्पेक्ट मिलता है, तो चंदा ज़्यादा देती है या फिर वहाँ के मर्दों को खुश करती होगी जो मराठी मर्द है, क्योंकि मुस्लिम मर्द तो तुझे भाव देने से रहे।
और रही बात तेरी जो है ना तबीयत की, तो भाई माँ ही ऐसी है जो मुझे वाली बन के रात को लावनी गाने पे डांस करके कस्टमर को रिझाती है। तो उसका तरबियत कैसा हो तो सबको पता है। तो खानदानी खून तो तू बोल ही मत कि कौन सी खानदानी औरत तो ऐसी हरकतें करती है, ऐसे नाचती है, उछलते कूदते और बेटी के सामने जो है ना ऐसे जो है ना गलत अल्फाज जो है हम बच्चों के सामने गाली तक नहीं देते। सिर्फ मैंने कल पागल बोला था मेरे बच्चों को कैमरा के मतलब व्लॉग में, तो किसी ने मुझे बोला अच्छी बात ही बोला कि पागल नहीं बोलते बच्चों को, जो कि सही है। और मुझे भी कहना कि बुरा लगे इस बात कि भाई मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और तू तो अपने बेटे के सामने घिसेला फिसेला पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी वर्ड थे, तेरे को तो पता भी ऐसे घिसेला फिसेला क्या मतलब हम भी गाली देते लेकिन ये सब घिसेला फिसेला वर्ड हमको नहीं मालूम है बाबा। तो अपने बेटे के सामने साइज की घिसेला फिसेला ये सब की जो है ना बात करते, तो इससे तरबियत बहुत अच्छे समझ में आता। और अभी तूने ब्लॉग में दिखाई था तेरा बेटा कैसे तेरे आंखों के सामने हुक्का पी रहा, मैं हूँ ना मेरे इब्राहिम ऐसे हुक्का पी, वो बाहर से चप्पल ला उसके मुँह में दे दड़ा। और पहली बात उसकी हिम्मत ही नहीं होगी, पहली बार बच्चे बाहर कुछ भी करें लेकिन घर में माँ बाप के सामने करने की हिम्मत किसी भी बच्चे की नहीं होती। और रहा सवाल तुझे दूसरों का मर्द ना मर्द है कि बैला है कि क्या है, देख तू खुद बैले की माँ है तो जो खुद कास के घर में रहते हैं ना वो दूसरों को नहीं बोला करते कि इमरान भाई मर्द है नामर्द भी है ना, तो उसके पास दो बच्चे हैं और उसकी बीवी है तो उससे समझ में आता है। और भाई वो नामर्द है ना तो हाँ नामर्द है लेकिन साना हम तो उसको छोड़ के नहीं जा रहे, लेकिन तेरे बेटों की शादी नहीं हो रही है या फिर हो भी रही तो छुप छुपा के हो भी रही डिवोर्स भी हो जा रही है, तो इससे समझ में आता है कि तेरे बेटे जो है ना दोनों कितने मर्द हैं और नामर्द हैं, इससे साफ तरीके से समझ में आता है कि नहीं। या खुद को बोलती है मुसलमान, तो भाई आप लोग मुझे बताओ ये किस एंगल से मुसलमान लगती है, कौन सी मुसलमान औरत ऐसी गेटअप करेगी। बहुत सारे मुसलमान लेडीज़ है जो पर्दा नहीं करती है, जो शलवार सूट नहीं पहनती, जीन्स पहनती है, टॉप्स पहनती, पर इसकी तरह तो कोई नहीं करता। तो ये कौन सी एंगल से ये मुसलमान जो है आप लोगों को लगती है, उमरा वाली लगती है आप लोग मुझे बताओ। अरे ये उमरा वाले तो छोड़ो, ये औरत के ज़ात पे नाम पे कलंक है, ये मुसलमान तो छोड़ो महाराष्ट्र के नाम पे पूरे इंडिया के नाम पे जो है ना ये कलंक है। मुझे तो ना यार मेरे पास कोई ऐसा अथॉरिटी होता ना या फिर मेरे पास कोई ऐसा सुपर पावर होता ना, मैं सच बोल रही हूँ उसको उठा के ना मैं ना अमेजोन को जंगलों में ना इसको छोड़ के आती, इसको भिजवा देते अमेजोन के जंगल में, क्योंकि उसको जो ना एक तो ये नाइजीरियन जैसे दिखते हैं काले सी भद्दी सी, यार साला हम मुंह में कुछ भी नहीं करते, आईब्रो देखो कितने बड़े बड़े हो गए कितने बड़े बड़े, अपन लिफ्ट करो ठीक है, हम भी इतने काले नहीं हैं यार, हमारे पैर भी कितने गोरे गोरे हैं, हाँ ये बात अलग है कि हम ख्याल नहीं रखते लेकिन हम भी इसकी तरह काले नहीं हैं। बट इसको ना मैं पक्का यार इसको ना बहुत खुजली है यार, इसको कोई अमेजोन के जंगलों में छोड़ के आओ, ये पूरे इंडिया के नाम पे कलंक है, और उसको बहुत है ना नंगा होने का उसको बहुत शौक है, उसको नाचने का बहुत शौक है ना, तो वो अमेजोन के जंगलों में उसको भेज के आओ, ये नंगा होकर रहेगी वहाँ पे और झिंगा लाला हो बोल के जो है ना नंगा नाचेगा। और वहाँ के मर्द तो है ही बाबा जंगली मर्द है, तो जंगली मर्द जंगली तरीके से ही देंगे ना, तो वहाँ पे ना उसको चट्टी पहनने की जरूरत भी नहीं होगी और उसकी जो खुजली है ना वो भी मिट जाएगी, क्योंकि जंगली मर्द है ना वहाँ पे, तो जंगली मर्द जंगल में जंगली तरीके से कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका प्यास जो है ना अमेजोन के जंगलों में ही जो है ना बुझेगा। और प्लीज़ प्लीज़ कोई भी अगर मतलब कि मेरी बात मतलब सुन रहा हो कोई हायर लेवल के लोग, मुझे तो नहीं लग रहा है, प्लीज़ मोदी जी या फिर ये अल्लाह कोई ऐसा करिश्मा हो जाए कि ये जो अजूबा है ना ये माँ बेटे दोनों अजूबे हैं जो मलार में बैठे हुए हैं, ये मलार के दोनों अजूबे को ना प्लीज़ कोई अमेजोन के जंगलों में छोड़ के आओ, नहीं ये इनकी जितनी इनका जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना या फिर मेंटल सिचुएशन बोलो ये लाइलाज होगा, इनकी इनकी ना कोई इलाज ही नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी गाली के खाने के बावजूद भी इतना मतलब का क्या बोलूँ मैं उसको, भोली बन के वो ऐसे आके ज्ञान देती रहती कि एज इफ कुछ हुआ ही नहीं, उसको किसी ने कुछ बोला ही नहीं, इतना गाली हज़ारों की तादाद में गाली खाने के बाद भी कोई कैसे बेशर्मुख इतना वापस से अपना सरा हुआ मुँह लेके गाली खाने के लिए आ सकता है भाई, इतनी गाली तो भाई मेरे में भी दो पैसे मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे को मैं इतनी गाली खा लूँ, लेकिन इसका मुझे लगता है इसका जो है ना मेंटल जो स्टेबिलिटी है ना वो ख़राब हो गया है, तो इसको कोई प्लीज़ अमेजोन के जंगल में भेजो, वहाँ पे जंगली मर्द जंगलों में उसको लिटा लिटा के जंगली तरीके से जो है ना उसकी खुजली मिटाएंगे, और उसको कपड़े उतारने का बहुत शौक है तो वो कपड़े उतार के वहाँ पे झिंगा लालू करेंगे, तो वो उसके लिए सही जगह है, क्योंकि ये इंडिया में रहने वाली लाइफ नहीं है, क्योंकि हम इंडियन औरतें जो है ना हम हमारे जो है ना ड्रेसअप पर्दा इज्जत इन सब के लिए ही जाने जाते हैं, अब मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो हम ये सब के लिए जाने जाते हैं इंडियन औरतें जो होती है, लेकिन इसमें ना मतलब कि ऐसी कोई इंडियन औरतों वाली बात नहीं है, मुसलमान के नाम पे धब्बा है, ये उमरा करके है, लेकिन उमरा का कुछ भी आप लोगों को लगता है 1% भी उमरा का कुछ उसमें है, और मुझे नहीं लगता कि इतना गाली खाने के बाद एक इंसान कैसे सोशल मीडिया में सर्वाइव कर सकता है और कैसे वही वापस से नंगापंथी कर सकता है। वेल मैं तो कल के ब्लॉग में बारे में बात नहीं कर रही थी, आज मैंने पूरा इंस्टाग्राम के ऊपर ही बात किया है, और मेरी आज तबीयत भी आप लोग देख सकते हो सैनियर बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है, बच्चे रो रहे हैं, ऊपर से इधर भी आवाज़ कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है,
तो चलिए आज का ब्लॉग में यही एंड करते, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, बहुत ही खास है। एंड रात को मैं 10 बजे के आसपास आ जाऊँगी लाइव में, तो आप लोग मुझे जिसको जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तभी के लिए अल्लाह हाफिज़।